नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी वन इंडिया न्यूज, आजाद भारत की आवाज। मैं हूं अरिशा सिद्दीकी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। खबर दमोह से है, जहां जिले के हिंडोरिया से बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जहां पर शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हिंडोरिया में टीचर समय से न आने से बच्चों ने स्कूल गेट में ताला डाल दिया। बच्चों का कहना है कि हमारी पढ़ाई बोर्ड परीक्षा करीब आ रही है और टीचर आए दिन लेट आते हैं, पढ़ाई का काफी नुकसान हो रहा है। इसके चलते आज उन्होंने यह बड़ा कदम उठाया और जितने भी टीचर लेट आते हैं उनको परिसर में नहीं आने दिया, जिससे स्कूल के प्राचार्य जेपी पटेल, मंजूलता सूर्यवंशी, ऐश्वर्या जैन, हेमलता, राहुल पटेल और अन्य टीचर भी गेट के बाहर खड़े दिखाई दिए। बच्चों का कहना है कि जब तक हमारी सलाह और स्कूल समय से संचालित नहीं होंगे, हम इनको परिसर में प्रवेश नहीं करने देंगे। बड़ी मुश्किल के बाद समझाइश दी गई कि अब पाठशाला समय पर खुलेंगे और जो भी लेट आएगा उस पर संवैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तब जाकर छात्राओं ने शिक्षकों को परिसर में आने दिया। कितने बजे का समय शाला खुलने का? आप लोग कितने बजे आ गए थे? और टीचर लोग? चलो रुक जाओ, एक काम करो, साइड हो, ये कौन है आप? एक काम करो, सब जन बाहर आ जाओ। कोई सर, आप प्राचार्य हैं स्कूल के, तो कम से कम आप बताइए समय का क्या है शेड्यूल यहाँ पे? कुछ टीचर टाइम पर नहीं आते हैं। कुछ काम प्रिंसिपल नहीं आ रहा है। तुम चुप रहे ना, तुम ज्यादा नहीं बोल। 1000 काम रहते हैं, एक काम ही रहता है। सर बताइए क्या रीजन था अपना कि बच्चे कह रहे हैं कि एक दिन का काम नहीं है, डेली का है? डेली का तो नहीं है, क्या है, चपरासी टाइम पर नहीं आते, कई बार आदेश भी निकाला लेकिन वो टाइम पर काम नहीं करते। नहीं सर, साला तो खुली थी, उनका कहना है बच्चों का कि आप ही लेट आए हैं। नहीं तो मुझे काम तो नहीं आ पाया। यदि साला आदि खुली ना होती तो ये बच्चे अंदर कैसे आ पाते? गेट तो नहीं ना खोला है। ताला वो स्कूल में मैंने ताला खोल के भाग गया। जी, ताला किसने खोला था ये पता नहीं, कौन से चपरासी आया। आप यहाँ के प्राचार्य है ना, क्या नाम है सर आपका? कितने बजे आए सर आप? मैं तो 11:45 पे आ गया। और समय कितना है साला का? क्या कारण है लेट का? वो गेट लगा हुआ था। दमोह से संदीप की रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया न्यूज। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और आगे हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।